आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो शॉर्ट फॉर्म है काफ़ी यूज़ होता है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। ये सारे जो शॉर्ट फॉर्म्स मैंने लिए हुए हैं, ये शॉर्ट्स ऑलरेडी मैंने बनाया हुआ है, तो उसका ये मैंने स्क्रीनशॉट लेकर के आपको ये वीडियो बना रहा हूँ, राइट। तो ये शॉर्टेंड फॉर्म है, जैसे कि ब्रदर की जगह लोग ब्रो कर देते हैं, सिस्टर की जगह सिस कर देते हैं, स्पेक्टेकल्स की जगह स्पेक्स कर देते हैं। ये सारे जो है स्लैंग्स कहा जाता है। एक्चुअली इसको स्लैंग वह होता है जो काफ़ी इनफॉर्मल वर्ड होता है, बहुत ज़्यादा इनफॉर्मल कहने का मतलब जहाँ पे हम फ्रेंड्स के बीच में हम जो यूज़ करते हैं, हम इसको फॉर्मल सेटिंग में यूज़ नहीं कर सकते, जैसे कि लेटर राइटिंग हो गया, एसे हो गया, आर्टिकल हो गया, राइट। इन सब चीज़ों में या ऑफिस पर्पज़ के लिए हम इसका यूज़ नहीं करते हैं, राइट। तो स्लैंग वर्ड्स में हम देखें, जो पीछे आपने देखा वो शॉर्ट फॉर्म्स, ये भी स्लैंग ही कहा जाएगा। ये हम देखें कि कुछ और देखते हैं स्लैंग वर्ड में शॉर्ट का। ASAP लिखा जाता है, यानी एज सून एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके। B2W का मतलब होता है बैक टू वर्क। BRB का मतलब होता है बी राइट बैक। CU का मतलब होता है CU, मतलब ऐसे लिखा जाता है। और ये जो आपका क्वेश्चन मार्क और फोर और यू का मतलब होता है आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू, ठीक है, एक क्वेश्चन है मेरे पास पूछने के लिए, राइट। आगे चलते हैं KG, LKG और UKG। ये मैं स्लैंग नहीं कहूँगा पूरा, क्योंकि ये हर लोग जानते हैं KG, LKG यही कहा जाता है, लेकिन इसका फुल फॉर्म नहीं जान पाते हैं। तो KG का मतलब किंडरगार्टन, गार्डन नहीं होता है, गार्टन होता है, देखिएगा स्पेलिंग। LKG का होता है लोअर किंडरगार्टन होता है, किंडरगार्टन। और UKG का मतलब होता है फुल फॉर्म अपर किंडरगार्टन, राइट। ध्यान रखिएगा GARTEN है, DEN नहीं है यहाँ पे, भले इसको समझा जाता है गार्डन के सेंस में। और स्लैंग वर्ड है, जैसे कोई लिखता है मैसेज में, खास करके ये मैसेज में यूज होता है जो भी मैं अभी बता रहा हूँ, ठीक है। ये तो आपका अलग ही हो गया KG, LKG, UKG, लेकिन और जो पीछे ये देखा आपने, ये देखा, ये हम मैसेज में ज़्यादा यूज़ करते हैं, ये भी हम मैसेज में यूज़ करते हैं। जैसे कोई लिखता है DM me या PM me, इन दोनों का मतलब होता है कि मुझे मैसेज कीजिए, मुझे मैसेज प्राइवेट मुझे मैसेज कीजिए, या डायरेक्ट मुझे मैसेज कीजिए। अगर आप ग्रुप में हैं और कोई लिख रहा है कि DM me या PM me, इसका मतलब क्या है, ग्रुप में मैसेज मत कीजिए मुझे, इंडिविजुअल मैसेज कीजिए, राइट। आगे हम चलते हैं इसमें, तो ये रहा आपका सारा, और मैं आगे आपको बताऊंगा ये सब कि क्या रॉन्ग है, क्या राइट है, प्रोनाउंसिएशन और स्पेलिंग, ये सब कुछ। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।